Assalamualaikum everyone, I hope you all are good. आज के वीडियो में आई एम गोइंग टू शो यू गाइज कि हम अपनी बहन के ससुराल कौन सी ईदी लेके जा रहे हैं. कुछ कपड़े ख़रीदे, कुछ जूते ख़रीदे, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. इसके अलावा मैंने अपनी नीस के लिए भी कुछ लिया है, मैंने अपनी फ्रेंड के लिए भी कुछ लिया है. तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. दिखाने का मकसद ये है कि आप लोग अगर कन्फ्यूज्ड हैं तो आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा कि अगर किसी को ईदी वगैरह देनी है तो वो किस तरीके से आप दे सकते हैं. क्योंकि पैसे तो हम देते ही हैं, पैसे मतलब अगर आप नहीं देना चाह रहे तो इसके अलावा गिफ्ट के ऑप्शंस क्या हो सकती हैं. तो सबसे पहले ये एक गिफ्ट बास्केट है जो कि अभी इसकी उजड़ी हुई हालत लग रही है, लेकिन ये मैं फ़िक्स कर दूँ कि डोंट वरी अबाउट दैट. इसमें मैंने दो सूट लिए थे, तो दोनों सूट जो हैं वो रखती हैं इसके अंदर. और एक बड़ा ही खूबसूरत ब्लू कलर था और एक ये लेमन येलो कलर था. बहुत ही प्यारा खूबसूरत सूट था. सूट देखने के लिए आपने वीडियो एंड तक देखनी है. और अगर आप वीडियो देख ही रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं. प्लीज़ लाइक कर दिया करें ताकि मुझे पता हो कि आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही. ऑलराइट, अच्छा जी, इसके अंदर जो है वो मैंने डाल दिए हैं दोनों सूट, चूड़ियाँ और साथ में एक कोन मेहंदी डाली है. फिर मुझे बाद में याद आया कि मैंने इसके अंदर तो जूता ही नहीं डाला. और ये कुछ चीज़ें मेरी नीस के लिए हैं, इनमें से एक ये ब्रश है. ये सारी चीज़ें जो हैं अजान में से ख़त्म हो गई है. अच्छा, एक ये लिक्विड लिपस्टिक, क्योंकि उसने मुझे खुद बोला था कि खाला मुझे मेकअप चाहिए. एंड आई वाज लाइक ओके. एक ये चूड़ियाँ और ये आई शेडो पैलेट है, एक क्यूट सी. इसको ना आजकल मेकअप का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है. ये फेक नेल्स हैं और ये लिप्स और लिपस्टिक एंड नेल पेंट. ये एक वो ब्यूटी ब्लेंडर्स है और ये पोनीज है. इन सारी चीज़ों की यहाँ पे ये पैकिंग हो गई है. इसमें मैंने चूड़ियाँ और मेहंदी रख दी है. और ये थोड़ा जान हो रही है जी. ये है बैग, इसमें जाएगा एक नेल्स. आई शेडो पैलेट, नेल पेंट, चूड़ियाँ, लिक्विड लिपस्टिक. इसका कलर बहुत प्यारा है वैसे. ये ब्रश, ये हैंड बैग है, लेकिन ये हैंड बैग इसके अंदर नहीं आएगा. तो ये मैं देखती हूँ कि इसका क्या करना है. ये वाला बैग भी डन है. ये मेरी नीस का बैग है और वो आई होप कि उसको ये चीज़ें अच्छी लगें, क्योंकि उसने मुझे खुद बोला था कि मुझे मेकअप चाहिए. तो मैंने सोचा चलो ये वाली चीज़ें सारी ले लेते हैं. बहुत क्यूट चीज़ें सारी वो मैंने आपको दिखाई हैं. ये मेरी बहन के दो ड्रेसेस हैं और साथ में चूड़ियाँ, मेहंदी और कुछ और चीज़ें. हाँ, जूते भी हैं सर. अब ये तीसरा बैग है, ये मुझे अपनी फ्रेंड के लिए चाहिए था. तो ये मैंने सबसे पहले उसके लिए चूड़ियाँ लेके आई हूँ और इसके बाद ये मेहंदी, क्योंकि ये ज़रूरी है. और ये बहुत ही मुझे खूबसूरत लगे थे, ये देखें बहुत प्यारे हैं. ये इसमें ना हो, इसके ऊपर तो मेरी अपनी नींद ख़राब हो रही है. तो ये हो गया तीसरा बैग, हो गया तीसरा बैग. अच्छा, एक ये बहुत खूबसूरत चप्पल है. अच्छा, एक ये बहुत ही खूबसूरत चप्पल है. तो ये भी मैं इसके बास्केट के अंदर ही रखने लगी हूँ. बहुत प्यारी है ये भी. तो ये ऐसे जाएगी, इसको मैं डालूँगी इसमें. अच्छा जी, सारी पैकिंग हो गई है डन और अब हम निकल रहे हैं उनके घर के लिए. घर पे पहुंच गए थे, इफ्तारी हो गई थी. तो इफ्तारी के अंदर ये सामान था, बहुत लविश इफ्तारी उन्होंने बनाई हुई थी. ये ड्रमस्टिक्स थे, इसके अंदर चीज़ थी, प्लस ये आलू कह रही हूँ, इमली आलू बुखारे का शरबत था. ये साथ में पीना को लाडा था, रू अफज़ा था और बहुत सारी चीज़ें थी. मुझसे तो मतलब नहीं, वैसे मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझसे खाया नहीं गया, क्योंकि मैंने सही दिल खोल के खाया. ये वॉन्टोन्स थे और साथ में वो एक जो वो एक बॉक्स पैटिस टाइप कुछ होता है ना, वो था. फ्रूट चाट बहुत मज़े की थी. ईच एंड एवरीथिंग वाज जस्ट सो नाइस. अच्छा जी, खाने के बाद फिर जाहिर है. अच्छा, इसके बाद ना मेरी बहन के कुछ कपड़े स्टिच होकर आए थे, तो आई थॉट कि मैं इसके ऊपर वीडियो बना लेती हूँ. अगर आप लोगों में से किसी को अभी भी कुछ थोड़ा बहुत आइडिया चाहिए हो तो आप ले सकते हैं, क्योंकि मेरी बहन बहुत अच्छी है डिज़ाइनिंग के मामले में. अच्छा जी, मेरी बहन जो है ना वो मुझे दिखा रही थी अपनी अलमारी के अंदर ना नए कपड़े को लेके आई हैं. तो एक ये वाली शर्ट मुझे दिखा रही थी, मुझे बड़ी प्यारी लगी है. खाड़ी की है ये, 12 साइज़ में. इसके स्लीव्स भी बड़े प्यारे हैं, बड़े खूबसूरत हैं. इसके अलावा ये कुछ शर्ट्स हैं पीछे और ये कुछ ड्रेसेस उन्होंने निकाल के रखे हैं. ये ना दर्जी से स्टिच होके आए थे, तो उन्होंने ट्राई करके ऐसे ही रोल रोल करके रख दिए हैं.
तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आप लोग इफ़ यू गाइस वांट टू सी कि ये किस तरह की, ये देखें, ये एक ये वाला सूट है कुछ इस तरह का, बड़ी प्यारी, इसके ऊपर लाइलैक कलर की जो है वो लेस लगी हुई है, इसके जो नेक लाइन है वो कुछ इस तरह की है। मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ क्योंकि मैंने अभी इफ्तारी की है, अभी नमाज़ पढ़ के मैं आई हूँ, तो मुझे ना बस आप समझ लें कि अच्छा। उसके बाद ना दूसरा सूट ये है, ये भी बड़ा खूबसूरत है, इसकी नेक लाइन बहुत प्यारी उसने बनवाई है, और ये भी 3 पीस है, ये अनस्टिच, सारे ही अनस्टिच सूट हैं, ये देख सकते हैं आप, और ये भी बड़ा प्यारा सा है। इसके अलावा ये तीसरा है, ये आई थिंक ये मैंने इनको दिया था, ये मैंने शायद किसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, और ये इन्होंने नेक लाइन इस तरह की बनवाई हुई है, ये भी बहुत ही प्यारी नेक लाइन है, और इसकी जो ये ट्राउज़र है इसके साथ, और ये दामन पे भी इस तरह से इन्होंने लगवाई हुई है, बड़ी प्यारी लग रही है ये भी। अच्छा ये हो गया चौथा, ये हो गया पाँच, इसका दुपट्टा कितना प्यारा है, वाओ सो नाइस, दुपट्टा बहुत खूबसूरत है, और ये इसकी, ये इसकी नेक लाइन है, ये भी बहुत खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा सूट है। अच्छा ये हो गया, और ये देखिए इन्होंने डिटेलिंग भी कितनी अच्छी कराई हुई है साथ में, ये हो गया, और ये वाला सूट जो है ना इसका दुपट्टा बहुत ही कोई प्यारा है। अच्छा ये वाला सूट जो है ना इसका, वो कह रही थी कि ये वो किसी एग्जीबिशन से लेके आई थी, तो ये भी कुछ इस तरह का है, उसके इसके ऊपर जो है इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े चंकी किस्म के बटन्स लगाए हुए हैं, देखिए पर्ली खूबसूरत से बड़े बड़े किस्म के, तो वैसे मुझे पर्सनली इतने बड़े बड़े नहीं पसंद, लेकिन काफ़ी लोगों को पसंद भी होते हैं ये दुपट्टा, दुपट्टे के ऊपर कितनी खूबसूरत लेस लगी हुई है, कलर भी बहुत प्यारा है इसका। मैं बहुत थक गई हूँ, मेरा इफ्तारी करके ना दिल चाहता है बंदा लेट जाए बस। इस सूट और इस दुपट्टे के ऊपर मेरा दिल आ गया। वैसे मैं इतने ज़्यादा कढ़ाइयों वाले सूट कभी नहीं पहने मैंने, मतलब मुझे, मैं बहुत ही सिंपल सूट पहनती हूँ, अगर आप लोगों ने कभी देखा हो, सिंपल शर्ट्स पहनती हूँ, मतलब ये जो मैंने पहनी हुई है ये भी इतनी सिंपल है। अच्छा एनीवेज ये ना बिल्कुल इसके ऊपर फुल एम्ब्रॉयडरी हुई, और दुपट्टा इतना कोई हैवी है। अच्छा जो हम इनके लिए सूट लेके आए हैं ना बहन के लिए, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो किस तरह के हैं, मतलब अगर मेरा चांस लगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि वो किस तरह के, वो भी बहुत खूबसूरत है। तो ये हैं वो सूट। चलिए जी अब हम चलते हैं नीचे, दुपट्टा ले लेती हूँ मैं, कि मैंने स्कार्फ लिया हुआ था ऊपर, ये है स्कार्फ जो मैंने लिया हुआ था, ये मेरा बैग है जो मैंने आज कैरी किया हुआ है, इसके ऊपर भी मैं इंस्टा रील बनाऊँगी जल्दी, तो लेट्स गो। अच्छा हर घर का ना अपना अपना हिसाब होता है, तो उन लोगों के घर ऐसे होता है कि इफ्तारी के फ़ौरन बाद ये लोग चाय पीते हैं, और इतनी ज़्यादा इलायची वाली चाय पीते हैं, मतलब जो प्योर कार्डमम टी होती है ना वो पीते हैं, कड़क किस्म की। तो इन्होंने ऐसे ही हमें भी सर्व कर दिया, हमने इफ्तारी की उसके बाद फिर चाय सर्व कर दी, और ये भी काफ़ी अच्छा सीन था वैसे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं मतलब जो चाय के एडिक्ट भी नहीं, मैं कहूँगी जब आप दिन में एक कप भी चाय पी रहे हो ना तो तब आपकी बॉडी को ज़रूरत होती होती है कैफ़ीन की ना, तो ये भी सही रहता है वैसे आप इफ्तारी करके एक कप चाय पी लो। तो आप लोग मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो चाय के एडिक्ट हैं, या चाय या कॉफ़ी या ग्रीन टी, कौन सी चीज़ है जो आपको बहुत पसंद है जिसके बगैर आपकी ज़िंदगी अधूरी है, ज़िंदगी में बहार नहीं है। और आप मुझे ये भी बताएं कि आप चाय किस तरह की पीना पसंद करते हैं, कुछ लोग दूध पत्ती पीते हैं जो कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती, और कुछ लोग जो है वो जो सेपरेट टी होती है ना वो पीते हैं, कुछ लोग मिक्स पकी हुई चाय पसंद करते हैं, कुछ लोग कार्डमम टी पसंद करते हैं। यार ये सूट इतना कोई प्यारा लग रहा है, मतलब मैंने इतना अंडरएस्टिमेट कर दिया था इसको, लेकिन ये बहुत प्यारा लग रहा था। और ये भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि इसको, इसके ऊपर मैं इंस्टा रील बनाऊंगी। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मुझे नहीं पता कि आप लोग क्यों नहीं कर रहे, कि मैं वहाँ पे बना रही हूँ रील्स, और वहाँ पे आउटफिट ऑफ द डे की मैं रील्स जो है वो बना के डाल देती हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये वाली साड़ी जो है मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर डाली हुई है, ये मैंने कल की वीडियो शेयर की थी, और यहाँ पे मैं तैयार हुई थी क्योंकि मुझे इफ्तारी के लिए जाना था कहीं पे, और बहुत ही कोई लैविश किस्म की इफ्तारी थी, और ये देखें पूरा मैं तैयार श्यार होके मैं पोजेस शोजेस मार रही हूँ, स्लो मोज मैंने बनवाए थे, और फिर मैंने अच्छे तरीके से इसकी एडिटिंग करके बस जी लगा दी वीडियो। और आजकल ना मज़ा आता है मुझे, पता नहीं मेरे ऊपर फेज़, आई थिंक फेज़ में चलती है लाइफ, कभी किसी चीज़ का फेज़ आ जाता है, कभी किसी चीज़ का फेज़ आ जाता है, तो आजकल जो है वो कंटेंट का फेज़ चढ़ा हुआ है। अच्छा जी फाइनली मैंने अपनी बहन को बोला कि प्लीज़ आप थोड़ी सी अनबॉक्सिंग कर दें, ये ऐसे साइड से निकालना है,
ये खोल गया। इसका मुझे कलर बहुत ही कोई खूबसूरत लगा था, कलर की वजह से मैंने इसको ख़रीदा है। प्लस ये प्योर शिफॉन है और प्योर शिफॉन जो है वो बैक इन फैशन है आजकल, तो ये बहुत ही कोई खूबसूरत, मतलब वैसे भी सॉलिड तो नहीं लेकिन मतलब मोनोटोन टाइप कैसा है, प्यारा है। अच्छा ईद वाले दिन पहन सकती हो वो कह रही थी ना कि ज़रा सिंपल सा लेना है, तो ये फिर मैंने सिंपल सा, मुझे ये अच्छा लगा। ले रही, चलिए हम जरा मुझे खोल के दिखाएं आपको कैसा लगा है। निकालो सर। हाँ ये मैं मामा कह रही थी जो मुझे चाहिए। अच्छा, और मामा मानती नहीं है, मामा कहती मैं बस ला दूंगी, मैं लाती नहीं है। क्या अच्छी लगी है आपको चीजें? बहुत ज्यादा। ऊंची बोलो। बहुत ज्यादा। कितनी ज्यादा? सबसे अच्छा क्या लगा पहले मुझे ये बताओ। सबसे अच्छा क्या लगा है? सड़क। एक चीज बताओ ना यार, आप नाराज होगी। नहीं मैं नाराज होती, एक चीज बताओ मुझे। नहीं यार, इन सब चीजों में आपको सबसे अच्छा क्या लगा है एक चीज बता दो, फिर मुझे खुशी होगी ना, आप बता दो। एक नहीं है, ज्यादा है थोड़ी सी। अच्छा जी, उसके बाद ये हैंडमेड इन्वेलप्स थे जिनके अंदर ईदी दी थी और ये बड़े खूबसूरत बने हुए थे, मतलब मेरा दिल चाह रहा था कि मैं खुद ही रख लूँ। और ये मेरी नीज़ को जो है वो ब्रश सेट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था। उसके बाद फिर हम लोग जो है वो खाना खाने आ गए थे और खाने में मंदी थी और दुम्बा था और मैं आप लोगों को मेन्यू तो ऐसे बता रही हूँ ना, मतलब मैं इतनी फूडी हूँ ना, मतलब मुझे खाने का इतना शौक है कि लिटरली स्पीकिंग मेरे पास जो है ना कहीं पे जाने की सबसे बड़ी रीज़न ही होती है कि क्या वहाँ पे खाना है, रोटी छोटी में क्या सीन है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह खाना वाज रियली गुड। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे लिबर्टी साइड पे पैराडाइज है एक, उसकी कोन खाई। मैं मेरे साथ जो है वो रुखसाना बैठी हुई थी, रुखसाना हमारी हेल्पर है और हमारी फैमिली का पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट वाला। बस जी यहाँ पे ब्लॉग ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको इस वीडियो से कोई ना कोई आइडिया तो मिला होगा, जो भी आइडिया मिला है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, हंसते रहें बसते रहें।